नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएं। मोदी सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत सरकार कारोबार, प्राइवेट सेक्टर और मीडिया में औसतन 73% भरोसे के साथ सूचकांक में चौथे स्थान पर। मालदीव में हनीमाथु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने बताया इसे भारत मालदीव संबंधों के लिए बेहद अहम। आर्मेनिया के सैन्य अड्डे पर भीषण आग लगी जिसमें 15 सैनिकों की झुलसकर हुई मौत। राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, नहीं टूटेगा राम सेतु, घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय स्मारक। उड़ीसा में खेले जा रहे हॉकी वर्ल्ड कप में आज होगा भारत बनाम वेल्स का मुकाबला। फाइनल में प्रवेश के लिए दर्ज करनी होगी भारत को जीत। शाम 7 बजे से होगा मुकाबला। फोन पे को मिली $350 मिलियन की फंडिंग, बनी भारत की सबसे बड़ी फिनटेक फर्म। सिंगापुर के स्कूट एयरलाइंस से हुई बड़ी लापरवाही, अमृतसर से 5 घंटे पहले ही 35 यात्रियों के छोड़कर उड़ गया विमान, यात्रियों को नहीं दी गई थी इसकी जानकारी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर पहलवानों ने लगाया यौन शोषण का आरोप, दूसरे दिन भी जंतर मंतर पे जारी रहा प्रदर्शन। प्रियंका गांधी का बयान आया सामने, कहा खिलाड़ी देश की शान है, इनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। नितिन गडकरी का नया ऐलान, ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने के लिए जल्द लाया जाएगा कानून। पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा पर हुआ एक्शन, एयर इंडिया ने लगाया 4 महीने का बैन। आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्ता। धन्यवाद।